स्मद्योतिमास्य पाददशकं देवे महाकालिका यावस्तौ स्वपि देहदौ कमलजो अन्तुं मधुं कैटभम्। संस्कारदानी जबलपुर और जबलपुर के विख्यात मंदिर मठ, और आज हम सिद्धपीठ महाकाली मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर और संस्कारदानी जबलपुर में गुरुजी हमारा भक्ति प्रवाह चैनल साकेतवासी जगत गुरु स्वामी श्यामदेवाचार्य जी महाराज की पावन स्मृति में मेरे अनुज द्वारा प्रारंभ किया गया था। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपका आशीर्वचन संस्कारदानी के सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद होगा। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप दो शब्द हमारे चैनल में कहें, हमारे चैनल के लिए भी आशीर्वाद होगा और जबलपुरनी संस्कारदानी महाकौशल मध्य प्रदेश और पूरे देश के भक्तों के लिए आशीर्वचन है। महाकाली की कृपा से जो ग्रीष्मकालीन परेशानियाँ सभी भक्तों को हो रही हैं, उनसे माता सबको बचाए और आपके जो चैनल माता रानी सदैव उस पर कृपा बना के रखें, उसकी उन्नति हो और उसका सुख समृद्धि आदि प्राप्त हो। माता रानी की कृपा से सभी भक्तों का यहाँ कल्याण होता है। यहाँ जो भक्त आते हैं सब मनोकामना लगाते हैं अर्जी के माध्यम से और उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और माता रानी की कृपा बनी रहे सब पे, सभी भक्तों पे, आपके चैनल पे, और आपके चैनल बहुत ऊँचाइयों में पहुँचे। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव भक्ति के सत्संग के मार्ग में आप प्रशस्त हो। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जय काली कल्याण करे। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी पंडित श्री सुधीर दुबे शास्त्री जी हमारे भक्ति प्रभा चैनल में है और आप थोड़ा हमारे को मंदिर के बारे में बताएं, मंदिर की विशेषता और माँ की यहाँ पूजा अर्चना नित्य किस तरह प्रतिदिन की जाती है। आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो काली यंत्र में पहला मंदिर है पूरे भारतवर्ष में और पूरा वास्तु के अनुरूप मंदिर का निर्माण हुआ है। और माता जी की जो गर्भगृह है, माता जी के गर्भगृह में भी कई प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया गया है और वास्तु के अनुरूप मंदिर बना है। माता जी का विग्रह 17 फीट का है और जब भी किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि आती है तो माता जी उसको काटते हैं और लोग मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मनोकामना कब पूर्ण होती है? जब मंदिर व्यवस्थित हो, मंदिर का निर्माण वास्तु का अनुरूप हो और पूरा मंदिर वास्तु का अनुरूप बना है। इसीलिए अब माता जी अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, अब माता जी की कृपा लोगों तक पहुँचती है, लोग आते हैं उनको लाभ मिलता है तो फिर वो स्थायी रूप से आते हैं। ये मंदिर की बहुत विशेषता है। अभी तो क्या है, थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, एक इतने टाइम बहुत चहल पहल होती है और नवरात्रि में तो पैर रखने जगह नहीं रहती। दोनों नवरात्रि में घट व्यवस्था होती है, जवारी रखे जाते हैं, अखंड ज्योत जलाई जाती है और अनवरत माता रानी की एक अखंड ज्योत तो मंदिर की जल ही रही है, वो जब से प्रतिष्ठा हुई है। मैया के हाथ में खड़ा भी विराजे, चमक चमक चम चम जनिया बाजे, अरे जीवे निकाली बड़ी भारी, बड़ी महाकाली है, बड़ी महाकाली गढ़ा फाटक वाली, बड़ी महाकाली गढ़ा फाटक वाली, माई निकली है।